शुजालपुर सिटी थाना क्षेत्र में राजेंद्र मेवाड़ा की मारपीट करने वाले आरोपी पर उचित कार्रवाई नहीं होने से नाराज मेवाड़ा राजपूत समाज ने अपना आक्रोश व्यक्त किया और एसडीओपी कार्यालय पहुंचकर आरोपियों पर उचित कार्रवाई की मांग की। देखिए रिपोर्ट। शुजालपुर में फाइनेंस प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में काम करने वाले युवक राजेंद्र मेवाड़ा पर कुछ आरोपियों ने फाइनेंस की किश्त मांगने पर हमला कर दिया था, जिसके बाद फरियादी अपनी जान बचाते हुए पुलिस थाना सिटी पहुंचा, लेकिन पुलिस ने सख्त कार्रवाई न दिखाते हुए फरियादी को थाने पर कई घंटों तक बैठा कर रखा। इसे लेकर आज मेवाड़ा राजपूत समाज के सैकड़ों लोगों ने थाने का घेराव किया और उग्र आंदोलन की चेतावनी देते हुए आरोपी पर उचित कार्रवाई करने की मांग की। मारपीट करी, उसके साथ तीन चार लोग थे, नाम किसी का नहीं पता है, किसी ने रात किसी ने कल 11 तारीख को घटना घटी है, उसको लेकर आज सारे युवा थाने सिटी गए थे, क्योंकि कहीं ना कहीं टीआई साहब का रवैया ठीक नहीं लगा है। उसके बाद वहाँ आवेदन देने के बाद थाने पे हम डायरेक्ट एसडीओपी ऑफिस आए हैं, तो एसडीओपी साहब से आश्वासन दिया है कि हम उसकी कार्रवाई जल्दी से जल्दी करेंगे, क्योंकि थाने पे कल जो घटना हुई है उसको लेकर वो बता रहे थे कि 10 बजे का बैठा है और 5:30 बजे कार्रवाई हुई है, तो कहीं ना कहीं इसमें टीआई साहब की लापरवाही रही है और उसमें भी हल्की धाराएं लगाई हैं। 323 कोई मायने नहीं रखती है, आम आदमी पे लगती है जो चाटे थे, उनने लोहे की राड़ से सरिये से आप हमला करा है, चार लोगों ने मिलकर मारा है व्यक्ति को और अभी तक कोई ना गिरफ्तार है ना घर वाले के पास गई पुलिस अभी तक। इसलिए अभी हमने माननीय एसडीपी साहब से मिले हैं, एसडीपी साहब ने किए हैं कि हम 24 घंटे के अंदर उनको गिरफ्तार करेंगे। देखिए कल एक अपराध पंजीबद्ध हुआ था ना, जिसमें हम लोगों ने अपराध पंजीबद्ध कर लिया है और संबंधित फरियादी था, अभी वो साजापुर रेफर है, साजापुर में इलाज चल रहा है। संबंधित के दस्तावेज आने पर, जितने भी मेडिकल दस्तावेज आने पर, उसके बाद भी उसमें अग्रिम कार्रवाई मतलब वो बढ़ेंगे। साथ ही साथ जो आरोपी है इनके लिए हमने टीम रवाना कर दी है, जल्दी राउंड अप हो गया और इनके खिलाफ सख्त कर दी गई है। देखिए टीआई को भी निर्देशित कर दिया है कि इसमें अलग अलग टीमें बनाकर इनको जो अपराधी है इनको जल्द से जल्द राउंड अप किया जाए और साथ ही साथ है इनका जो आपराधिक रिकॉर्ड है इसके आधार पर जो मतलब वैधानिक कार्रवाई हो सकती है वो भी किया जाए इस पर। बहरहाल अब देखना होगा कि समाज की ओर से दी गई चेतावनी के बाद प्रशासन इस मामले में क्या कदम उठाता है और आरोपियों को कब तक गिरफ्तार करता है। ब्यूरो रिपोर्ट, एमपी न्यूज़, शुजालपुर।